बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, हंसते बसते होंगे। आपकी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मैं अपना व्लॉग बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तकरीबन 10 दिन तो हो ही गए होंगे मुझे अपनी वीडियो अपलोड किए हुए, जब से मैंने YT स्टार्ट किया है, कि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने इतने दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की। उसके पीछे भी एक रीज़न ये है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं नाश्ते में ही मैंने दाल बना ली थी, क्योंकि दाल का सालन कोई भी नहीं था, तो मैंने अंडे खाने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा आजकल गर्मी होने की वजह से। तो मैंने नाश्ते में ही मूंग और मसूर की दाल बना ली थी। तो ये मेरे पास पहले की वीडियो पड़ी हुई है, कुछ क्लिप्स, और इत्तेफाक देखे कि आज भी मैंने जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नाश्ते में मूंग और मसूर की दाल ही बनाई है। तो जी मेरे डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये चल रहा था कि मेरे मोबाइल का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो जाती है, खुद ब खुद ख़राब हो जाता है वॉइस, उसमें बिल्कुल भी नहीं आती और ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। बड़े मैंने हाथ पल्ले इधर उधर मारे के चले ठीक हो ही जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने मोबाइल को लेके जाऊँ शॉप वाले के पास। तो आज क्योंकि इसमें जारी सी बात है, मेरा सब कुछ इसी में है, इतनी मेहनत की हुई कि कुछ आगे पीछे हो जाए या कुछ वो रीसेट करे या कुछ भी करे तो मेरा सारी मेहनत ज़ाया चले जाए। तो इसी वजह से मैं घर में थी, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की, लेकिन अभी भी फिलहाल इतना ठीक नहीं हुआ जैसे मेरा पहले ठीक था। बहुत ऊँची आवाज़ में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन यह है कि पहले से बेटर हो चुका है। ऐसी उम्मीद है कि चले अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह एक दिन ठीक भी हो जाएगा। तो ये नाश्ता दे चुकी थी हस्बैंड लोगों को, सब बच्चों को करवा चुकी थी, और जी ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड करके लेके आए थे, कि ये रात के टाइम लेके आए थे, लेकिन मैं नेक्स्ट डे ही बहुत तसल्ली से बैठ के फिर सारी ग्रॉसरी को मैं जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कि रात को बिल्कुल भी मेरा फिर ये होता है कि चले दिन में जब रूटीन वाइज काम स्टार्ट हो गए तो फिर ग्रॉसरी को भी तभी संभाल लिया जाएगा। तो ये जी मैंने सारी चीज़ों को पहले तो वो एक कार्टून सा होता है डब्बे वाला, क्या बोले उसको, गत्ते का होता है, तो उसमें मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें के लेके डलवा के ले आते हैं, तो उसमें से मैं निकाल रही थी कि टोकरी में रखूं और फिर जो चीज़ जहाँ पे रखने वाली है फिर उसी में के सेट करूं, डब्बों में डालूं। और ये दालें, गरम मसाले, सोइयाँ और स्पाइसेस और चीनी, टूटा हुआ चावल जिसको टोटा चावल भी बोलते हैं, साबुत चावल, घी के ये के 3 पैकेट ऐसे मेरे हस्बैंड और एक पेटी 5 पैकेटों की के 8 पैकेट ले आते हैं। ये खुल के इधर फट भी चुका था, निकल गया था। तो काली मिर्च सारी के जो ये देखे जी नाइट क्रीम जो मैंने मंगवाई थी, मैंने कहा चले बड़ी ईद से पहले पहले लगा लिया जाए, क्योंकि गर्मी होने की वजह से बहुत फेस का बुरी हालत हो चुकी है। तो बुरी हाल अल्लाह का शुक्र है वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन फिर भी एक इंसान को होता है वो बिल्कुल स्किन रफ़ हो चुकी है। तो मैंने कहा चले इसको लगा लिया जाए ताकि फ्रेश थोड़ी सी स्किन हो जाए ईद तक, बड़ी ईद तक। तो ये बच्चों के रेज़र, शॉर्पनर, पेंसिल्स और ये हर चीज़ के जो मेरी ज़रूरत है 1 महीने की तो वो लेके आए थे। तो मैं सारी चीज़ों को बड़े शौक़ से बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ और साथ साथ हर चीज़ को रखती हूँ। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह जैसे तुमने मुझे नवाजा है हर नेमत से, या अल्लाह मेरे बहन भाई और हर तरसने वाले को हर नेमत से नवाज। तो ये मेरा कि जितनी देर मैंने ग्रोसरी सेट करनी होती है तो मेरी यही दुआएँ ज़बान से निकलती है और अल्लाह का शुक्र अदा निकलता है। तो अल्लाह ताला सबको ही नवाजे। ग्रोसरी में से सारी चीज़ों को जगह पे रख चुकी थी, और ये जो मसाले थे सूखा धनिया और मैंने ग्राइंड किया, फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा और ये काली मिर्च और गरम मसाला सारी चीज़ें के जो भी मसाले वगैरह थे सबको ही मैंने के पीस के तो डिब्बों में डाल लिया था। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है जब मैं ग्रोसरी को संभालती हूँ, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ के पैकेट शॉपर से निकाल निकाल कर इधर किचन में रखने होते हैं, फिर जो पुराने वाले सौदे उनको भी के चीज़ें जो ग्रोसरी होती है उनको भी के निकाल निकाल के दोबारा के साफ़ करके रखना, तो ऐसे बस बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है कि ऐसे संभालते हुए ग्रोसरी। तो फिर हाँ जी ये मैंने ये है कि एक मरतबा अगर मसालों को पीस के रख लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बहरहाल मैंने सारे इस मसाले कर लिए थे और ये नमक में सारा कुछ इधर डल गया था।
वैसे ये मैं सालन के लिए रखती हूँ, नमक मैंने एक अलहदा डिब्बी में भी डाला हुआ है कि किसी और चीज़ में भी अगर इस्तेमाल होना हो तो उधर से उठा लिया जाए। तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही संभालियों पे मैं चले गई थी ऊपर। ये उस दिन की बात है, उस दिन की क्लिप है जब सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो मोबाइल में इतना अंधेरा नहीं लग रहा था, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा के बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। ये देखे सूरज को कि बिल्कुल ऐसे थे जैसे शाम हो गई है। मोबाइल की लाइट ज़्यादा होने की वजह से शायद कि आपको इतना नहीं लगेगा, आपको सही धूप नज़र आएगी, लेकिन वैसे तो बिल्कुल ऐसे था जैसे शाम के कोई 6-7 बज के हो। वैसे ये 11, 11:30 का बजे का टाइम था। तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार की, तौबा की, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमारे लिए जो 2021 है वो अल्लाह ताला सालियों वाला साल लेके आए, क्योंकि 2020 तो बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन वाला था। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो, और वीडियो में आपको दिखाने की फुल कोशिश ये है कि आप कुछ देख सकें। तो ये ऊपर मैं सहन में आई हुई थी, ऊपर वाले पोर्शन में आई थी। तो उम्मीद है आप मेरे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, अगर मेरी आपको आवाज़ नहीं सही सुनी तो वॉल्यूम ऊंचा करके मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। ओके, अल्लाह।